प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हम कर रहे हैं आठवीं कक्षा का गणित, जिसमें दूसरा अध्याय रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण हम कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज दो पॉइंट एक का पहला प्रश्न है हमारे पास, x माइनस दो बराबर में 7। हमने इन रैखिक समीकरणों को हल करना है। हमारे रैखिक समीकरण क्या होती है, इसके बारे में मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज मेरी उन वीडियोस को भी देख लें। उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया है कि रैखिक समीकरण होती क्या है, उसको हल कैसे करते हैं, इसके बारे में भी बता रखा है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1, एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न हमें दिया गया है x माइनस दो बराबर में 7, इसको हमने हल करना है। तो इसका हल क्या होगा, आपको पहले भी बताया है कि इस समीकरण को हम एक तराजू की तरह लगते हैं, ठीक है। जितना इस साइड से हम दोनों साइड अगर हम कुछ जोड़ देते हैं या दोनों साइड में से कुछ घटा देते हैं तो समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे x माइनस दो बराबर में 7 दिया हुआ है, तो x माइनस दो प्लस दो कर देता हूं मैं, यहां पे इस साइड भी 7 प्लस दो। अब देखो, दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, माइनस दो प्लस दो, ठीक है, दो देने दो लेने जीरो हो गया। तो इस साइड बचा हमारे पास x, उस साइड क्या बचा, 7 प्लस 2 9, तो x बराबर में 9। इस समीकरण क्या आ गया, हल आ गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है y प्लस 3 बराबर में 10। अब हम जो ये वाला स्टेप मैंने किया था कि दोनों तरफ दो जोड़ दो, हम इन स्टेप की हेल्प के साथ इनको नहीं करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट क्या है, इनका शॉर्टकट ये है कि अगर हमारे पास इस साइड प्लस का कोई नंबर पड़ा है और हमने उसको दूसरी साइड लेके जाना है तो वो माइनस का बन जाएगा। इस साइड कोई माइनस का पड़ा है, हमने उस साइड लेके जाना है तो वो प्लस का बन जाएगा, क्लियर। तो यहां पर देखो, वाई प्लस तीन बराबर में 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10 वहीं पड़ा है, y भी वहीं पड़ा है, इस प्लस वाले 3 को मैं उस साइड लेके गया तो माइनस का 3 हो गया। तो y का मान कितना आया, 10 में से 3 गए 7, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्लियर। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में इसने दिया है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, 6 बराबर में 2, जेड प्लस 2। हमने मान किसका निकालना है, जेड का निकालना है, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस रकम को जो इस वाला एक्सप्रेशन है इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है, जैसे जेड प्लस 2 बराबर में 6। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि अगर हम इस साइड में से कोई उस साइड लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, आपने तो इसको सेम ही रख लिया। बेटा बात आपकी बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा और तरीके से सोचो। ये मेरे पास एक तराजू था, इसके दो पलड़े थे ये, है ना, ये एक तराजू था मेरे पास, बीच में बराबर का निशान है। तो अगर मैं इस तराजू को इस तरह पकड़ लूं, थोड़ा मतलब उल्टा के पकड़ लूं, तो क्या इसकी जो ये डंडी है इसमें कोई फर्क आएगा, वेट दोनों तरफ उतना ही रखा हुआ है जितना पहला है, तो इस समीकरण में कोई फर्क नहीं आएगा। अब मैं किसी एक नंबर को इधर या उधर नहीं लेके जा रहा, पूरी समीकरण के दोनों पलड़ों को मैंने चेंज कर दिया,
ताकि मैं इस साइड अपना जेड रख सकूं। क्लियर। अब हमने निकालना है जेड का मान, तो 6 ये 2 जो प्लस का पड़ा है उस साइड के जाकर माइनस का होगा, तो जेड बराबर में 4, ये हमारा आंसर है। समझ लग रही है ना। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास, 3/7 प्लस एक्स बराबर में 17/7, इसको कैसे हल करेंगे। यहां पे देखो एक्स तो हमें इस साइड चाहिए क्योंकि हमने एक्स का मान पता करना है, जो ये नंबर पड़ा है इसको हम उस साइड लेके जाएंगे। अब आप कहोगे कि ये नंबर प्लस का है कि माइनस का है। बेटा जिस भी नंबर के आगे प्लस या माइनस का निशान ना लगा हो तो उसको हम प्लस का ही मानते हैं। तो x का मान कितना होगा, 17/7 वही पड़ा है, x वही पड़ा है, इसको हम उस साइड लेके जा रहे हैं -3/7। क्लियर। तो x का मान कितना आ, यहां पे देखो ये दोनों भिन्न है, जब हम भिन्नों की योग या घटा करते हैं तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। जब हर में दोनों संख्याएं सेम हो तो उसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। क्लियर। तो 7 के पहाड़े में 7 कितने पे जाएगा, 1 पे। 7 के पहाड़े में 7 कितने पे जाएगा, 1 पे। क्लियर। 1 को 17 से गुणा किया 17, माइनस 1 को 3 से गुणा किया 3, तो x का मान कितना गया, 17 में से 3 गए 14, बटा में 7, 7 × 14, तो x का मान कितना है बेटा, 2, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में इसने दिया है 6x = 12, इसको कैसे हल करोगे। अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई है इस रैखिक समीकरण में। दो बातें कौन सी बताई है, कि अगर हमारे पास इस साइड माइनस का निशान हो तो उस साइड जाके प्लस बन जाएगा, है ना, अगर प्लस का हो तो माइनस बन जाएगा, यही बताया ना अभी तक मैंने। लेकिन अगर गुना का हो तो उस साइड जाकर भाग बन जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर भाग का हो, डिवीजन का हो, तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। इन चीजों को आपने याद रख लेना है, सिंपल सा पंडा है। अब देखो इसको मैंने क्यों समझाया, अब 6 और x के बीच में कौन सा निशान है, जोड़ का, घटा का, भाग का, गुना का, बोलो। जब दो नंबरों के बीच में, x भी एक नंबर ही मानो, वैसे तो एक चर है ये, ठीक है, चर और नंबर इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है यहां पे, तो इसका मतलब गुना होता है। क्या होता है, गुना, मल्टीप्लाई। तो गुना उस साइड जाके क्या हो जाएगा, फिर वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन में। तो फिर इस साइड मैंने रख लिया एक्स बराबर वही पड़ा है, 12 वही पड़ा है, हमने इस 6 को उस साइड लेके जाना है, 6 किस में है, गुना में, तो उस साइड नीचे चला गया भाग में, 6 × 12, तो एक्स का मान कितना आया बेटा, 2, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, बड़ा सिंपल है ये भी, 6th प्रश्न इसका। 6th प्रश्न में इसने कहा है 6x = 12, सॉरी ये तो हमारा 5th था, 6th क्वेश्चन है हमारा बेटा, t/5 = 10, ये क्वेश्चन है। इसमें देखो आप, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर भाग में है
तो उस साइड जाके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गुना में। अब देखो ये पांच किस्में हैं, फिर बारह में टी वही पड़ा है, दस वही पड़ा है, पांच को हमने उस साइड लेके जाना है, बाग में था तो हमने क्या कर दिया, गुना। तो टी का मान कितना आ गया, 50। ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न ने इसमें हमें दिया है 2x/3 बराबर में 18। अब देखो सबसे पहले इस तीन की बात करते हैं, ये तीन किस्में हैं भाग में, तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, ये गुना में। 2x वही पड़ा है, 18 वही पड़ा है, मैंने कुछ नहीं ना किया, तीन को हटाना है यहां से, तीन भाग में है तो उस साइड जाके गुना में हो गया। ओके, अब मैं इसको गुना भी नहीं करूंगा, क्यों नहीं गुना करूंगा आपको अभी पता चल जाएगा। अब मैंने इस दो को हटाना है यहां से, क्योंकि मेरे को मान किस चीज का चाहिए, एक्स का मान चाहिए, किसका चाहिए, एक्स का। तो फिर एक्स बराबर में 18 वही पड़ा है, 3 वही पड़ा है, इस दो को मैं क्या करूंगा, गुना में था भाग में गया, क्लियर। अब देखो मैंने वहां पे इनकी गुना क्यों नहीं की थी, मेरे को पता था कि दो बार में आएगा, हमने इनको कट आउट करना है, ठीक। तो कट आउट कैसे होगा जी, 2 9 18, अगर मैं गुना कर देता तो मेरे पास ये अंक क्या आ जाता, थोड़ा बड़ा बन जाता, और इसके साथ कट आउट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब देखो फिर एक्स का मान कितना आया, 9 3 27, ये हमारा आंसर आ गया। फिर है प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न, आठवें प्रश्न में इसने दिया है 1.6 बराबर में y वटा में 1.5। अब देखो फिर वही पहले क्वेश्चन वाली बात आ गई, मेरे को मान किसका चाहिए, y का। तो ये दोनों क्या हैं, तकड़ी के तराजू हैं ये दोनों, है ना। इसको अगर मैं उल्टा पुल्टा कर दूं, ये वाला वेट इस साइड रख दूं, ये वाला वेट इस साइड रख दूं, क्या तराजू में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं बेटा, y बटा में 1.5 बराबर में 1.6। अब देखो y वही पड़ी है, 1.6 वही पड़ा है, मेरे को इसको हटाना है यहां से, ये किसमें है बाद में, तो उस साइड क्या हो जाएगा, जाके गुना में, ठीक। अब दशमलव की गुना करनी आती है आपको, दो दशमलव वाले अंकों को कैसे गुना करते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप सिंपली 16 को 15 से गुना करो, 16 को 15 से गुना करो, कैसे करोगे, 5 6 30 की 0 3 5 1 5 3 8 मल्टीप्लाई 6 1 0 4 2, आंसर कितना आया, 240, ठीक। तो यहां पे भी मैं क्या लिख देता हूं, 240। अब देखो दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं, एक, एक जहां पड़ा है, टोटल कितने हो गए, 2। गुना में दशमलव के अक्षरों बाद वाले अक्षरों को गिन लेते हैं हम, तो एक और एक दो हो गए ना, तो दो अक्षर छोड़ के आप दशमलव लगा दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था आपका आठवां प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 9। नौवें प्रश्न में हमें दिया गया है 7x-9 बराबर में 16।
हमने x का मान ज्ञात करना है यहां से। अब x को हमने इस साइड अकेला रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, बाकी सारे नंबरों को हमने उस साइड लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले हम इस 9 को देखते हैं। देखो 7x वही बड़ा है, 16 वही बड़ा है, ये 9 जो माइनस का है उस साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। ओके, अब देखो 7x बराबर है 16 9 25, क्लियर। अब देखो फिर x वही बड़ा है, 25 वही बड़ा है, इस 7 को मैंने यहां से हटाना है। कैसे हटाऊंगा, ये गुना भी है तो उस साइड जाके भाग भी आ जाए, हमारा आंसर आ गया। ये था प्रश्न नंबर 9। अगर आपको किसी भी बात की कोई नई समझ लग रही तो आप मेरे YouTube चैनल पर जब वीडियो देख रहे होते हो तो उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स आता है, वहां पे कमेंट करो तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि कहां दिक्कत आ रही है। फिर है क्वेश्चन 10। प्रश्न नंबर 10 में इसने कहा है 14y-8 बराबर में 13, 14y-8 बराबर में 13। तो बोलो फिर इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8 को यहां से हटाएंगे, 14y वही बड़ा है, 13 वही बड़ा है, माइनस का 8 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8, क्लियर। अब देखो 14y वही है, 13 प्लस 8 21, ठीक। अब हमें y का मान चाहिए, इसका मतलब इस 14 को हमें हटाना होगा। ये 14 किस में है, जोड़ में है, घटा में है, गुना में है, भाग में है, ये 14 गुना में है तो y का मान कितना आ जाएगा, 21 बटा में 14, है ना। अब देखो 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 7 या 21, 7 गुनी 14, तो y का मान कितना आ गया, 3 बटा में 2, ये हमारा आंसर आ गया। फिर है हमारे पास प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, 17 प्लस 6y बराबर में 9, ये प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है। हमें मान चाहिए y का, तो y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस 17 को हम उस साइड लेके जाएंगे, 6y वही पड़ा है, 9 वही पड़ा है, 17 के आगे किस चीज का निशान है, इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, इसको हम कौन सा मानेंगे, फिर प्लस का, प्लस का 17 है, उस साइड जाके माइनस का 17 हो गया। अब 6y बराबर में 9 में से 17 निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, है ना। जब आप इसको दूसरे तरीके से देखो, ये 9 प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है, हमने किसी के 9 रुपए लेने हैं, किसी से 17 रुपए देने हैं, जब हम उसके साथ हिसाब करेंगे तो दोनों रुपयों का माइनस होके आंसर तो आएगा 8, लेकिन वो 8 हमने देने हैं कि लेने हैं, लेने कम थे देने ज्यादा थे, तो हमने देने हैं 8 रुपए, क्लियर। अब y का कितना मान आ गया, फिर माइनस 8, ये 6 गुना में बड़ा था, इसको हम बाहर ले लेंगे, 8 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में करते हैं, 2 चौका 8 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया, -4/3, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन 12, 12वां प्रश्न।
बारहवें प्रश्न में इसने हमें दिया है x बटा तीन प्लस एक बराबर में सात बटा पंद्रह। अब देखो हम इसका क्या करते हैं। यहां देखो ये टोटली भिन्न के प्रश्न है। यहां पे इस एक को भी भिन्न बना लो प्रॉपर, एक बटा एक हो गई है ना। अब पूरे का एलसीएम ले लो आप, तीन और पंद्रह का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है कि बड़े जो अंक हैं उसका पहाड़ा पड़ना शुरू कर दो। पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह तीन के पहाड़े में आता है, यस आता है, तो पंद्रह ही इसका एलसीएम आ गया। ठीक, हमारा एलसीएम कितना आया? पंद्रह। तीन के पहाड़े में पंद्रह कितने पे आता है? पांच पे। एक के पहाड़े में पंद्रह कितने पे आता है? पंद्रह पे। पंद्रह के पहाड़े में पंद्रह कितने पे आता है? एक पे। अब इस पांच को x के साथ गुणा कर ऊपर ऐसे, कितना आ गया? पांच एक्स। पंद्रह को एक के साथ गुणा कर दो, पंद्रह। उसके बाद निशान था बराबर का, एक को सात के साथ गुणा कर दो, कितना आया? सात। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं तो ये नीचे वाला एलसीएम हम छोड़ देते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पांच एक्स प्लस पंद्रह बराबर में सात। अब वही पहले वाला प्रश्न, पहले हम इस पंद्रह को उस साइड लेके जाएंगे, पांच एक्स और सात, ये तो वही बड़े हैं। पंद्रह को उस साइड लेके गए, माइनस पंद्रह, तो पांच एक्स कितना आ गया? माइनस का आठ। क्यों आया? सात हमने देने हैं क्योंकि सात प्लस के हैं ऑटोमेटिक, पंद्रह देने थी। फिर हमें चाहिए एक्स का मान, इस पांच को हटा दो यहां से, माइनस आठ बटे पांच। ठीक है, पांच को नीचे क्यों लेके गया मैं? क्योंकि ये पहले गुना में पड़ा था। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। किसी भी बच्चे का इस एक्सरसाइज में से कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें। थैंक यू।